Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. This is a very closely contested election in Madhya Pradesh between the BJP and Congress, and any third factor can truly affect the fortunes of both. We know Mayawati's Bahujan Samaj Party has been making inroads in the Chambal and Madhya Pradesh region of the state, and it's actually done it at the cost of the Congress. So is it going to affect the Congress adversely in this election? I'm in Morena, which is a part of the Chambal division. Let's see what voters here have to say. यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है और बसपा। बसपा है तो त्रिकोणीय रहता है यहाँ। जी त्रिकोणीय है। तो बसपा इस बार क्या है, आम आदमी पार्टी से भी जो प्रत्याशी आए हैं वो भी मतलब दखलंदाजी डाल रहे हैं तीनों पार्टियों के बीच में। जी तो बसपा की जो आप बात कह रहे हैं वो वोट काटती होगी जरूर। जी किसके काटती है जी? ज्यादातर इसका कांग्रेस पर फर्क पड़ता है। जी तो जैसे अब की बार आप कह रहे हैं त्रिकोणीय है और ये टक्कर का चुनाव है पूरे स्टेट में जो कांग्रेस बीजेपी का, तो आपको लगता है बसपा का थोड़ा कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? जी हो सकता है ना, आपको लगता है हो सकता है? तो आपको लग रहा है कोई नया बदलाव चाह रहे हैं लोग या वही चाह रहे हैं कि भाजपा ही रहे? जी इस बार क्या है कि पब्लिक की डिमांड है कि क्या है कि 15 साल से काफ़ी समय हो गया, 15 साल से भाजपा का राज रहा है, तो रेगुलर राज होने से क्या है थोड़ी सी पब्लिक भी ये लगता है कि थोड़ा सा बदलाव हो, नई सरकार आएगी तो कुछ नई योजनाएं मिलेंगी और पब्लिक के लिए कुछ अच्छा कुछ मिलेगा। जी लेकिन जैसे आप अपनी अपनी सीटों में अपने अपने जिलों में बदलाव की जब बात होती है जी, तो क्या जैसे यहाँ पे बसपा का भी रोल है, क्या यहाँ पे बदलाव के तौर पे लोग सिर्फ कांग्रेस सोचेंगे या बसपा भी सोच सकते हैं? जी दोनों में से कोई भी। दिमनी विधानसभा क्षेत्र से है जहाँ से पिछली बार हाथी का जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है वो जीते थे, तो अब की बार यहाँ से किसका जोर लग रहा है? कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस अब क्यों नहीं, अब की बार क्यों, आपने पिछली बार बहुजन समाज पार्टी का किया था समर्थन, पिछली बार कौन सी पार्टी का समर्थन किया था? बहुजन का किया था। तो अब की बार आप क्यों नहीं करना चाहते? आप जो नहीं करना चाहते कि उसने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उसने कुछ कार्य दर्शाए नहीं, नहीं दर्शाए। अरे पर्सनल लिंक करता तो सार्वजनिक करता, किसी का दिल को नहीं जीता, हर एक के दिल को दुखाया है उसने। अब ये बताइए यहाँ पे जो पूरा मुरैना जो जिला है यहाँ पे बस बहुजन समाज का थोड़ा सा वो है, जोर है पार्टी का, तो उससे आपको क्या लगता है वोट किसके काटती है? कांग्रेस के काटती है बीएसपी पर, तो नुकसान होता है कांग्रेस को आपको? नुकसान होता है। अब की बार आपको लगता है टक्कर का चुनाव है, ये हो सकता है नुकसान बसपा की वजह से कांग्रेस को? हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है, होगा तो कांग्रेस को ही नुकसान होगा, कांग्रेस को भी होगा। ये जो चंबल का जो क्षेत्र है और जो मुरैना खास करके जिला है जहाँ बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा बहुत जोर रहा है, तो बताइए अब की बार क्या लग रहा है यहाँ पे किसकी तरफ ज्यादा रुझान जा रहा है? की तरफ बीजेपी की तरफ, बीजेपी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, लेकिन बहुजन का बहुत बड़ा अस्तित्व है, बहुजन का बहुत ज़्यादा अस्तित्व है यहाँ पर, सेकंड में 5 में से 3 सीटों पर अभी भी आएंगी बहुजन समाज पर, तो वो एक सीट निकाल भी सकती है, 5 में 2 सीट निकाल सकती है। तो आपको क्या लगता है वोट किसके काटती है फिर वो? जब वोट कांग्रेस के काटती है, वोट कांग्रेस के काटती है, आप बताइए। बोलिए इन्हीं की तरफ जैसा ही है मेरा भी, तो कांग्रेस की वोट कटते हैं बहुजन से, बहुजन नहीं होती तो कांग्रेस की सीट निकलती है, कांग्रेस को बढ़ावा मिलता, कांग्रेस पार्टी को बहुजन है इसलिए थोड़ा सा ये उनका वोट काट के भाजपा को 20% वोट, तो भाजपा को फायदा हो सकता है। The BSP may have just about over 6% vote share in Madhya Pradesh, but it remains concentrated and intact in the regions of Chambal and Vindhya Pradesh. Now, the fact that these have remained intact in the last few elections could be something the Congress might need to worry about in this election as well, given the fact that the BSP actually damages and dents the Congress vote bank more. In fact, voters in a lot of these places where the BSP is strong have told us the same thing, that it is the Congress that is more at a disadvantage where the BSP contests and where the BSP is strong. For The Print, this is Ruhi Tiwari in Morena.